नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास मित्र ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है बहुत ही सालों बाद यूँ कहें कि जो है फायर मैनेजमेंट जो फायरमैन है उसकी वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, फायरमैन की वैकेंसी निकली है टोटल 600 पदों पे, जिसकी की जो है पूरी डिटेल मैंने विज्ञप्ति की वो एक वीडियो के अंदर आपको दे दी है, सारी की सारी डिटेल। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो देख लेना, उस वीडियो में मैंने भर्ती से संबंधित सारी जानकारी डाल दी है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम आज का टॉपिक है। तो जो है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है फायर का कोर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और इसीलिए जो है मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ आपकी खास फरमाइश के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही जो है मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे लगे, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है तो आप अजीब और गरीब तरीके से ही गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं ऐसे ही अलग अलग कोर्स करके, तो ये सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो बात करते हैं अब हम फायर सेफ्टी वाले डिप्लोमा की। तो इसके अंदर जो है इस भर्ती में एक साल वाला डिप्लोमा और एक 6 महीने वाले डिप्लोमा मांगा गया था, एक अधिकारी के लिए और एक जो है फायरमैन वाली वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, तो अब आपको ये डिप्लोमा कहाँ से करना है और कैसे करना है, तो ये मैंने अलग अलग सोर्सेस में जाके छानबीन की है। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ है, सब लगभग लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स करवाती है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करवाती है। इसके अलावा जो है और भी कई सारे संस्थान हैं गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो भी ये कोर्स करवाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उससे जो है पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप आवेदन कर देना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है राज एजुकेशन पॉइंट, तो यहाँ पर इनके मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं। तो और ये वेबसाइट है, ये बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज करवाते हैं ये लोग। ठीक है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना और इनसे जो है पूरी जानकारी ले लेना कि आप ये कोर्स कहाँ से करवाते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से करवाते हो, किसी की जो जिनको अगर इन्होंने पहले करवा रखा है तो उनकी मार्कशीट वगैरह मंगवा लेना, और आदि आदि ये सब डिटेल आप इनसे पूछ लेना, और जो भी जानकारी हो कि इनका जो कोर्स है वो मान्य है या नहीं है भर्ती में, कितने लोगों को ये लगा चुके हैं, तो ये सारी जानकारी आप इनसे लेके संतुष्ट होके और आप इनसे डिप्लोमा कोर्सेज करवा सकते हैं। मैंने इनसे फीस की जानकारी लेनी चाहिए और इन्होंने फीस जो बताई 6 महीने के कोर्स की 16,000 फीस बताई है, तो ये इन्होंने फीस बताई है 16,000। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दूसरे की। एक यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि चित्तौड़गढ़ में गंगरार में एक यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी कोर्स करवाती है फायरमैन का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, ये जो है एक साल का कोर्स करवाती है फायरमैन वाला। तो इसकी जो इन्होंने फीस रख रखी है वो 30,000 रुपये रख रखी है। जी हाँ दोस्तों, विदेशी स्टूडेंट के लिए $1,600 और जो अपने इंडिया के स्टूडेंट हैं उनकी 30,000 रुपये फीस रख रखी है एक साल की, तो इन्होंने ये फीस रख रखी है एक साल की। तो ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर, एक ये यूनिवर्सिटी है, ये आपको जो है डिस्टेंस में करवाती है, मतलब कि आपको जो है फॉर्म यहाँ से फिल करके और डीडी बना के भेजना पड़ता है, और उसके बाद में जो है वो लोग आपको स्टडी मटेरियल भेजेंगे और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने वहाँ पर जाना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना पड़ेगा। तो ये भी जो है इसका डिप्लोमा करवाते हैं और ये जो है 9,000 रुपये में आपको ये डिप्लोमा करा देंगे। आप एक साल वाला करना चाहो या 6 महीने वाला करना चाहो, ये जो है 9,000 रुपये इनकी फीस है, ये डिस्टेंस लर्निंग से करवाते हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटी टाइप में ये हो गया। तो एक ये करवाते हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है इनके मोबाइल नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, तो उसके आधार पे आप इसकी पूरी जानकारी कर लेवें और उसके बाद में ही फॉर्म अप्लाई करें, यहाँ पर विशेष ध्यान रख लेना। इसके अलावा मैं एक दिन जो है फेसबुक चला रहा था तो वहाँ पर मेरे को एक ये पोस्टर भी मिला है कि केंद्र सरकार के NCFSC द्वारा मान्यता प्राप्त भव्य फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुचेरा नागौर राजस्थान। तो ये भी मेरे को एक मिला था तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो है इनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, तो इनसे आप बात कर ले और पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और इनकी जो भी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहो, उसके अलावा भी आप जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है और भी कई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी ये कोर्स करवाती है, KN मोदी यूनिवर्सिटी हुई,
तो ये सभी यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है। जहाँ से भी आपको करना है सबसे पहले आप पूरी जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद में ही कोर्स के लिए अप्लाई कर लें, वरना जो है आपका पैसा भी जाए और बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाओ तो आपके डिप्लोमा को फर्जी कह के जो है फेंक दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं हो। तो पूरी जानकारी कर ले, मैं सबसे पहले संतुष्ट हो ले आराम से खुद, और उसके बाद में ही जो आप अप्लाई करें। आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।